गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज के इस पार्ट टू वीडियो में देखेंगे वेरियस पैरामीटर ऑफ मेंसुरेशन। वेरियस पैरामीटर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेरीमीटर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है परिमाप। लेंथ ऑफ ज्योमेट्रिक सबसे इजी लैंग्वेज में लेंथ ऑफ ज्योमेट्री से लेंथ मतलब टोटल लंबाई होगा, ठीक है। टोटल लेंथ लिख दो, हाँ। अब देखो ये क्या फिगर बना, रेक्टेंगल बना, ट्रेंगल मान लो रेक्टेंगल बना, इसका शेप क्या होगा, इसका लेंथ ए होगा, इसका बी होगा ना, ये है तुम्हारा रेक्टेंगल एग्जांपल है, ठीक है, पेरीमीटर का रेक्टेंगल। आगे सब बताएंगे, ठीक है। बाउंड्री खाली लेंथ और बाउंड्री है, ठीक है। ये भी है, ये भी बी होगा, ये भी ए होगा, सारा को ऐड करो। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या बोले हैं, लेंथ ऑफ ज्योमेट्री से, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री का दोस्त, टोटल लेंथ ऑफ ज्योमेट्री से या टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लिखो, सबसे बेस्ट है, समझा। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ कितना है, ए है, बी है, फिर क्या ए आया, फिर क्या आया, बी आया, तो क्या होगा, टू इंटू दो गो ए है, देखो सबसे आसान आसान, दो गो ए है, दो गो बी है, दो गो बी नहीं है, एक गो बी, एक गो बी, तो दो को बाहर निकाल लो, ए प्लस बी कर दो, यही है तुम्हारा रेक्टेंगल का, इसी को बाउंड्री निकालते, ठीक है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, समझ आ गया ना, सारा बाउंड्री का लेंथ को ऐड कर लो, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है पेरीमीटर में, एरिया दूसरा नंबर में एरिया था, इसी से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब एरिया देखो क्या होता है, सब कुछ करो, ये मेरे पास क्या है, पन्ना है, ठीक है। इसका अब एरिया बोल रहा है, ये पेज का क्या है, ये एरिया है ना, एरिया है, चित्र बना था, चित्र बना के अच्छा एरिया कैसे निकाल, उस समय हम लोग क्या निकाल रहे थे, बाउंड्री निकाल रहे थे, अभी बाउंड्री भूल जाओ, क्षेत्रफल ये देखो, इसको बोलते हैं पूरा एरिया, पूरा पार्ट, ठीक है। कुछ भी शेप हो, ऐसा जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी शेप होगा, ठीक है। इसका जितना भी अंदर का जगह हो वही को, हाँ, पूरा जगह को, ये देखो जगह हो, ये पूरा जगह जितना है, इसका अंदर जितना जगह है सारा, हाँ, यहाँ से यहाँ तक जितना गया इसका, इसमें पूरा एरिया को लेना है, जैसे पूरा ब्लैक बोर्ड है, यहाँ से पूरा ब्लैक बोर्ड का यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा एरिया। आप समझ रहे हैं एरिया किसको होते हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, कुछ भी तो पेज शेप का एरिया निकालने तुम निकाल सकते, ठीक है। तो जैसे ये पेज है, पेज का एरिया बोलेगा, तो अब एरिया निकालने का क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड, यानी चौड़ाई इनटू क्या बोलते हैं, लंबाई, लेंथ इनटू ब्रेड, इसको लिख सकते हैं लेंथ एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब समझ आएगा ना, अब इसको मान लो ये ए एल है, ये बी ब्रेथ है, ठीक है, तो ओके एल टू बी हुआ कि नहीं, एरिया का कंफ्यूजन नहीं रहा। अब देखो तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्या कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म, इसको फुल नेम में बोलते हैं सी यू आर वी ई डी, कर्व सरफेस, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया, सरफेस कैसा होगा, कुबड़ा होगा, धसा होगा, कर्व टाइप का होगा, ठीक है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया, हम किसी फिगर को हम काट रहे हैं, ठीक है, मान लो ये क्या है, इसका शेप हो, ये कर्व है ना, ये कैसा दिख रहा है, कर्व, कर्व दिख रहा है सरफेस टू, हाँ? दिख रहा है ना, ये आधा है, ठीक है, ये
ये तुम्हारा, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा। कैसा बनेगा सर, तू आधा प्लस आधा मिलेगा, क्या ऐसा बनेगा ना? एक सिलेंडर का फॉर्म देगा, सिलेंडर में ये हुआ सिलेंडर। अब देखो कर्व सर्फेस है, सर्फेस कैसा ऐसा कर्व है, हम तो इसको क्या बोले सर्फेस नहीं है तो प्लेन नहीं बोले, प्लेन नहीं बोले, अभी प्लेन का तो बात नहीं हुआ। ये बोर्ड है, बोर्ड को मोड़ा हुआ बोर्ड है, बोर्ड जब मोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये मोड़ वाले प्लेन था, बोर्ड था मेरा, बोर्ड को मोड़ दिया, ऐसा कर दिया तो कर्व हो गया। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या है, कर्व सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस सब समझ गया, ये तो पूरा हुआ कहते हैं। तो सिलेंडर का एग्जांपल के लिए हम बोल देते, तुमको पता है सिलेंडर का जो होता है 2πr(h), कर्व सर्फेस एरिया हो गया सिलेंडर का, सी एस कर्व सर्फेस, कर्व सर्फेस समझा ना, उभड़ा हुआ, आगे सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। ये था कर्व सर्फेस एरिया। अब इसमें क्या होगा, एक चीज डिनोट करो, कर्व सर्फेस एरिया में क्या हमने टॉप का काउंट किया है, नहीं, बॉटम का काउंट किया है, ये दोनों को एक्सक्लूड कर देना है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एरिया इन विच टॉप एंड बॉटम इज एक्सक्लूडिंग, एरिया इन विच टॉप एंड बॉटम मतलब हम लोग ऊपर दोनों का हटा दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व सर्फेस एरिया, ठीक है। ओनली कर्व वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, ऊपर में नहीं, ऊपर में यदि कर्व रहेगा तो फिर तो दूसरा फिगर बन गया, वो सिलेंडर रहा नहीं, समझे, वो कैप्सूल बन गया फिर, तो इसलिए ये नहीं होगा। इधर तो समझ में आ रहा, अब आ गया कर्व सर्फेस एरिया का बात आता है तुम्हारा, टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया किसको बोलते हैं, टोटल सर्फेस एरिया पहले लेटरल सर्फेस एरिया समझ लो, बेस्ट है, एग्जाम्पल आएगा, स्क्वायर में देख लो,
स्क्वायर में कितना स्पेस होता है? एग्जांपल लें, नहीं समझ में आया तो बोलना। एग्जांपल लेते हैं क्यूब का, यानी क्यूब लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर तो नहीं होगा, क्यूब को लेते हैं, लेटर सरफेस एरिया, हाँ आ जाएगा, स्क्वायर का लेते हैं। अभी हम लोग सरफेस एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सरफेस का अभी पढ़ेंगे, अभी तो खाली बता रहे हैं स्क्वायर का। स्क्वायर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, देखो डायग्राम बना रहे हैं ध्यान से, देखो स्क्वायर का क्यूब आएगा, एक क्यूब में कितना फेस होता है बोलो तो, घर क्या है, क्यूब है ना, तो देखो एक नीचे एक फेस, नीचे नीचे नीचे, एक ऊपर, ये दीवार, ये दीवार, ये एक और दीवार है, तीसरा दीवार इधर होगा, दीवार हाँ साइड दीवार, अरे इधर भी तो दीवार होगा, ये चौथा दीवार, समझ रहा है, ये चौथा, ठीक है, ये पहला नीचे, और दूसरा कहाँ बोलो तो, दूसरा इस साइड, तीसरा उधर, चौथा इधर, चौथा इधर होगा, इस साइड में चौथा हो जाएगा, ये पांचवा किधर है बोलो तो, इस साइड बाहर साइड में, पांचवा, पांचवा बाहर वाला, और ये छठा, छह हो गया, हाँ छह का टोटल सरफेस एरिया बने, हमने क्या बोला यहाँ पे, हम दोनों कंफ्यूजन, टोटल सर्फेस एरिया, अब टोटल सर्फेस एरिया कभी लिख लेते हैं, वेस्ट रहेगा समझ में, ये फिगर तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे टोटल सर्फेस एरिया भी लिख लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये से का टोटल पांचवा नंबर ना, टोटल सर्फेस एरिया, अभी क्यूब का कितना था टोटल सर्फेस एरिया बताओ तो, क्यूब का एग्जांपल था ना, क्यूब था ना, इसका कुछ प्रॉपर्टी, अच्छा पहले एग्जांपल बता दे फिर प्रॉपर्टी बता देंगे हम, ठीक है, टोटल सर्फेस एरिया का क्यूब देखो, क्यूब का कितना टोटल सर्फेस एरिया, अभी देखें ये डायग्राम बनाए थे ना, ये डायग्राम बनाए थे ना बोलो, समझ रहा है मेरी गल, एक नीचे एक ऊपर, दो हो गया, एक ये दो, एक इधर और एक इधर कितना है, एक दो तीन चार पाँच छह हो गया, तो सिक्स साइड है, छह का साइड है ना, छह का साइड है, ऊपर नीचे इधर चारों बार प्लस में टॉप एंड बॉटम, ठीक है, तो टोटल सर्फेस एरिया हमने क्या बोला कि सभी साइड को हमने इंक्लूड कर लेंगे, इस साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, अब ये समझ में आ गया ना, छह का साइड है, सिक्स साइड है क्यूब का, इच साइड कितना है, साइड का इच, हाँ इच, सिक्स साइड है क्यूब का, सिक्स साइड है, अब देखो एरिया टोटल सर्फेस एरिया लेते हैं, इच साइड लेते हैं, ए ले लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, सिक्स ए लिख सकते हैं, छह का साइड है, ए डिनोट कर दिया एरिया, ए साइड, ठीक है, और आ रहा एरिया, तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर में हर एक लेंथ इक्वल होता है, इच लेंथ इक्वल होता है ना एरिया, इसमें इसमें ए क्यूब में, ठीक है, क्यूब में क्या होता है, इस साइड इक्वल होता है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ का, तो क्यूब के लिए लेंथ और ब्रेथ सब सेम होगा, तो लेंथ को ए ले लिए तो ये भी तो ब्रेथ भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, सिक्स इंटू ए साइड इंटू साइड होगा, एरिया निकाले ना, वो साइड था क्यों, तो क्या क्या साइड है, छह को साइड है टोटल क्यूब का, अब एरिया हमने क्या बोला, अरे तो टोटल सरफेस एरिया, हाँ एरिया ऑफ क्यूब यानी मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया निकला, इसको लिखेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, छह को साइड है तो छह को निकाल लिए, हमने क्या बोला इंक्लूड ई लेटरल सरफेस एरिया में, इंक्लूडिंग ऑनली लेंथ ऑफ बॉथ एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, तो इसमें से हम इसको थोड़ा सी रखते हैं, इसमें यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, जगह दिख रहा है, सिक्स ए स्क्वायर में से माइनस कर देंगे कितना, टॉप एंड बॉटम, सिक्स ए स्क्वायर में से टॉप एंड बॉटम कितना होगा, टॉप का ए स्क्वायर एरिया और प्लस में बॉटम का, टॉप का ए स्क्वायर ए इंटू ए, बॉटम का ए इंटू ए, तो सिक्स ए स्क्वायर में से टू ए स्क्वायर चला गया, यही है और कुछ नहीं है, ऑनली टॉप एंड बटन को हटा दो, बाकी को ऐड कर दो, यही था टोटल सर्फेस, तो टोटल सर्फेस समझ आ गया, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर डिस्कोलर में टॉप एंड बटन को हटा देंगे।
तो अब इसका कुछ लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे इनपुटिंग टॉप एंड बटन, इनपुटिंग टॉप एंड बटन क्या एरिया इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ये लाइए, जैसे ये मालूम बॉक्स है चारों वाला है, ये वाला को हटा दिया, किसमें लेटरल सरफेस एरिया, और इसमें इंक्लूड कर लिया टॉप एंड बटन किसका एरिया के लिए ना। टॉप एंड बटन ऐड कर लिए टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है, और इंक्लूडिंग टॉप एंड बटन और एंड आल्सो आल्सो कंटेनिंग लेंथ ऑफ एरिया ऑफ वॉल लिख देते क्या, वॉल का एरिया क्या टॉप एंड बटन प्लस एरिया ऑफ वॉल, तो यह हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, तो ठीक है। अब यहाँ तक तुम मेजरमेंट समझ में आ गया, अब कितना चौथा पांचवा हो गया ना, छठा देखो। अब देखो क्या है, एक तो स्क्वायर यूनिट के बारे में बोलना चाह रहे थे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट हो गया, यूनिट हो गया मतलब मेजरमेंट करते, ठीक है, लेफ्ट किसी चीज का मेजरमेंट को, ठीक है, तो देखो स्क्वायर यूनिट हो गया तुम्हारा एक यूनिट, मान लो किसी भी मतलब मेजरमेंट में किसी भी मानते हैं हम लोग लेंथ, किसी भी चीज को यूनिट से मानते हैं, मेजरमेंट से करते हैं, जैसे लेंथ हो गया यूनिट में, देखो यूनिट में क्या क्या आएगा, लेंथ आ जाएगा, लेंथ में क्या आ जाएगा मीटर आएगा ना, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर और जो भी है और किसी आएगा, ठीक है। स्क्वायर होता क्या, ये एक लेंथ ठीक है, ये मीटर ये मीटर, ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा एरिया, देगा देगा कि नहीं देगा, ये खाएगा तो यहाँ आएगा ये आएगा एरिया बनाएगा, स्क्वायर स्क्वायर इसी को बोलते हैं, स्क्वायर यूनिट मतलब स्क्वायर का इसको देखो, स्क्वायर यूनिट में स्क्वायर किसका बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, यूनिट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का यूनिट क्या क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना, दो का मीटर मल्टीप्लाइड हो गया और डेसीमीटर का स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं। अब यही चीज़ है, इसका मतलब दो का चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा दो बार, यहाँ कुछ नहीं, लेंथ से मेजर करते हैं, लेंथ को लिए स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, और दो को मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा स्क्वायर बन गया, अब तीनों को मेजर कर देंगे तो क्यूब बन गया, क्यूब में क्या, अब देखो स्क्वायर में क्या होता है लेंथ एंड ब्रेथ ही ओनली होता है, ठीक है, ये यदि इसका लेंथ है, ठीक है, ये इसका क्या है ब्रेथ है, इसको ब्रेथ मानो तो इसको लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, तो लेंथ इन टू ब्रेथ, इसका यदि हाइट नहीं है, हाइट रहने से क्या जाएगा वॉल्यूम नहीं हो जाएगा, हाँ किसी भी चीज़ का यदि हाइट हो जाता है वो वॉल्यूम हो जाएगा, तो स्क्वायर यूनिट के बाद क्या हो गया छठा पॉइंट ना था सातवां पॉइंट, ये हो गया स्क्वायर क्या हो गया मतलब क्यूब यूनिट ना, क्यूब यूनिट में क्या आएगा, इसमें क्या होगा इसका यूनिट ऑफ क्यूब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इसमें क्यूब का यूनिट का इसको ए क्यूब का तीन गो हो गया लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, यानी सपोज करो मीटर को कर रहे हैं एक मीटर कपड़ा है या लेंथ है उसका ब्रेथ एक मीटर है, ठीक है, और उसका हाइट भी एक मीटर है, तो बॉक्स तरह का नहीं बन जाएगा, इसको बोलते हैं थ्री डी सेप, इसको बोलते हैं टू डी, इसमें आता है टू डी सेप का ही काउंटिंग होता है, इसमें थ्री डी सेप का आता है ट्यूब में, ठीक है, थ्री डी आता है, ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें तुम्हारा सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ ही होगा, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी आता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेंथ वन मीटर ब्रेथ वन मीटर हाइट वन मीटर, तो वॉल्यूम बना गया, जैसे नहीं बोलते बॉक्स का वॉल्यूम कितना है घर में, ये किसी कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, तो हम लोग क्यूब यूनिट से डिसाइड करते हैं, और किसी भी चीज़ का एरिया निकालने वाला एरिया में कुछ नहीं, जिस सेटेड फिगर का बोलेगा सेटेड फिगर का निकालना, ठीक है, यहाँ तक रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज का टॉपिक में यहाँ तक इसका रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे टू डी और थ्री डी से, ठीक है, ठीक है, मेंसुरेशन का अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेसिक जो फंडा था यहाँ तक था, अब सीधा हम लोग हर एक शेप का डिस्क्रिप्शन करेंगे, हर शेप के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एरिया निकालना सीखेंगे और पेरीमीटर और कुछ नहीं, नथिंग, और तीसरा में जो आएगा तीसरा केस में वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम के बारे में करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग एरिया और पेरीमीटर के बारे में करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।